नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ वो महान वक्ता मौजूद हैं जिनको सुनने के लिए लाखों और हजारों की तादाद में भीड़ लगती है, डीडी कल्याणी साहब। कल्याणी साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पहले तो सबसे पहले तो मैं एसएम न्यूज़, ये सोशल मीडिया का एक वन ऑफ द कहते हैं मोस्ट पॉपुलर चैनल है, तो सबसे पहले मैं ओवरऑल तो मैं सोशल मीडिया का आभार प्रकट करता हूँ, लेकिन आपका भी जो तर्ज बयानी है मतलब बहुत अच्छी है, इसलिए मेरा सबसे पहले आभार प्रकट है एसएम न्यूज़ का। कल्याणी साहब, आप यहाँ आज यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आए हुए थे और बहुत अच्छे आपने वक्तागणों को बुलाया, और आज का जो सब्जेक्ट था वो था बहुजन अल्पसंख्यकों का शासन कब तक और क्यों रहेगा वो बताएं, और कब तक इससे बहुजन समाज के लोग मुक्त हो पाएंगे वो भी हमें बताएं। ऐसा है कि जो भारतीय समाज निर्माण संघ ने आज ये संडे को ये जो विषय रखा है 25 अगस्त को, तो ये विषय सोच समझ कर रखा। हम देख रहे हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि जब लोग पढ़ लिख जाएंगे तो उन्हें लगता था कि ये लोग समाज को कुछ वापस देंगे, पर हम देख रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 से हम आज़ाद हुए, हमें हक हकूक मिले, तो आज भी हम जो हैं शासक होने की बजाय गुलाम हैं, शासित हैं। तो हमने सोचा कि इस पर चिंतन किया जाए कि देश के अंदर ये बहुत कम जो लोग हैं जिन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं, और स्पेशली इसमें जो ब्राह्मण है जिसकी आबादी हार्डली 3% या 3.5% है, वो इस देश का शासक है। हमने सोचा इस पर चिंतन किया जाए कि अल्पसंख्यक होते हुए भी ये देश का शासक है, ये क्यों शासक है, कैसे बना हुआ है, इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो हमने इसके लिए विषय रखा और हमने विद्वान पुरुषों को बुलाया, और स्पेशली प्रोफेसर रतनलाल जी आज इस विषय में आए, तो उन्होंने भी इस पर बात की है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अल्पसंख्यक जो शासक है वो जानता है कि बाबा साहब अम्बेडकर एक फार्मूला पूरे देश के 85% लोगों को दे के चले गए, कि अगर इस फार्मूले का उनको पता चल गया कि लोकतंत्र में लोगों का शासन होना चाहिए, संविधान हमारे हक में है, लोकतंत्र है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के अंदर जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, क्योंकि बाबा साहब पहले ही कहते थे कि अगर हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिला, जिसे कहते हैं अलग अपना जो वोट का अधिकार नहीं मिला, तो उससे हमें नुकसान हुआ, बाबा साहब ने ये बात कही। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो ब्राह्मणवाद की समर्थक हैं, और उन पार्टियों के नेता जो हैं वो हमारे गुलामों को टिकट देते हैं जो हमारे शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, और नतीजा ये होता है कि हमारे सांसद कोई संसद में बात ही नहीं करते। तो आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि कहा जाता है कि जिस भी समाज का, जाति का, संस्कृति पर कहता है शासन होता है, वो उनका कल्चर कंट्रोल भी है, उनका समाज के ऊपर भी कंट्रोल है, और कल्चर कंट्रोल के माध्यम से हमारे पढ़े लिखे लोगों को भी इस अंधविश्वास में, यहाँ के इस अडंबरों में फंसाया हुआ है, और वो समझते हैं कि कोई भगवान हमारा आके भला करेगा। हम हैरान इस बात पे हैं कि हमारे लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर मकान बनाते हैं तो मकान का जो गृह प्रवेश है वो ब्राह्मण करता है, हम अपने बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चे को हम जन्म देते हैं, तो नाम उसका जो है वो ब्राह्मण रखता है, पुरोहित पंडित रखता है। मैं कई बार कहता हूँ देश आज़ाद हो चुका है, देश आज़ाद होने के बावजूद भी चूँकि हमारे पढ़े लिखे लोगों का दिमाग ही आज़ाद नहीं है, ये अपने बारे में सोचते नहीं, इनकी अपनी औकात नहीं कि अपने बच्चे का नाम रख सकें, मुझे लगता है कि ये एक जो कल्चर है वो संस्कृति के ऊपर आज भी ब्राह्मण का वर्चस्व है, ब्राह्मण वहाँ सुप्रीम है, और उसकी वजह से ही ये वो अपने कहते हैं भंवर चाल में फंसे हुए लोग जो हैं वो समझ नहीं पा रहे, पढ़े लिखे होते हुए भी उस जाल से बाहर नहीं आ पा रहे, तो उनको फंसा के रखता है। तो पढ़े लिखे लोग अपना पे बैक टू दी सोसाइटी का काम करने की बजाय वो धर्म के जाल में फंस के वो सारे के सारे जितने खजाने हैं, तो मैं कई बार बोलता हूँ कि भारत में जितने भी ब्राह्मणों के मंदिर हैं ये उनकी ATM मशीन है, और उस ATM मशीन में देश का मूलवासी बहुजन जाके पैसे चढ़ा देता है। बैंक के अंदर तो हम अपने पैसे जमा करा के वापस ले सकते हैं, और उस मशीन के अंदर ब्राह्मण करोड़ों रुपया ले जाता है, और करोड़ों रुपया ले जाके वो तो दिन रात दिन दुगनी और चौगनी अपने घरों को, अपने परिवारों को कहता है विदेशों में भेज रहा है, बच्चों को डॉक्टर बना रहा है, इंजीनियर बना रहा है, बड़े बड़े साइंटिस्ट बना रहा है, लेकिन हम पीछे जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं कि हमने बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को पहले तो पढ़ा ही नहीं है, जो पढ़ा है तो उस पर अमल नहीं किया। और मैं समझता हूँ कि अगर हम कार्यकर्ता लोग, जो भारतीय समाज निर्माण संघ जैसे और भी दूसरे संगठन हैं, फूले अम्बेडकर की विचारधारा का काम कर रहे संगठन हैं, अगर संगठन में बैठ के कार्यकर्ता फील्ड में जाके
जैसा हमने परिवारों को जगाने का काम किया है, परिवारों में जाए तो आप खुद ही देख रहे हैं कि आज की कार्यक्रम में 50% महिलाएं आई हैं। तो इसका कारण ये है कि अगर काम करोगे, जागृति काम करोगे तो ज़्यादा लोग आएंगे, तो अल्पसंख्यकों का शासन जो है उसको गुड बाय कहने वाले हैं, वो अलविदा हो जाएगा जी। डीडी कल्याणी साहब, एक बात बताइए कि बहुजन समाज के बच्चों को बहुजन समाज का इतिहास पढ़ाना क्यों जरूरी है? ऐसा है कि आज तक दुश्मन ने जो हमें इतिहास पढ़ाया उसमें उन्होंने हिंदू धर्म की एक बड़ी खासियत है कि ज़्यादातर उनका इतिहास मिथिहास है, असल में उनकी हकीकत बहुत कम है, ज़्यादा मिथिहास है। तो वो इस मिथिहास की वजह से मैं देखता हूँ कि लोग उनके काल्पनिक जो जिनको भगवान बनाया है उनकी जाके पूजा करते हैं। अगर कभी बात भी करो तो हैरान हम हो जाते हैं। मैं क्या सैकड़ों सालों से, याद रखो, देश का ब्राह्मण इतना चतुर और शातिर है कि वो अपने काल्पनिक देवी देवताओं को इस तरह से हमारे दिमाग में डाल दिया है कि हम अपना कोई काम तो भूल सकते हैं लेकिन मंदिर में जो लगातार जा रहा है वो कभी जाना नहीं भूलते। उन्हें ये नहीं पता चलता कि बाबा साहब अम्बेडकर ने, मैं कई बार कहा था कि यदि मंदिर में भगवान होता तो मंदिर के बाहर भीख मंगों को भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये भी कहा कि अगर मैं भी आपकी तरह उस काल्पनिक भगवान की पूजा कर बैठता फिर मेरे देश के 85% लोगों को भीख मांगने की नौबत आ जाती। तो उन्होंने मना किया था कि जो पूजा करनी है तो पूजा आप अध्ययन की करो। वो बार बार कहते थे नॉट ओनली एजुकेशन, सिर्फ शिक्षा ही नहीं, उच्च शिक्षा लो, और केवल उच्च शिक्षा ही नहीं लेनी, विदेश की शिक्षा लेनी है। अगर ये बात हमें समझ में आ जाएगी तो जानते हैं कि जब हज़ारों की तादाद में पढ़े लिखे लोग बुद्धिजीवी बनेंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ बुद्धिजीवी का अर्थ है जिनकी बुद्धि जिंदा है, वो बुद्धिजीवी लोग होते हैं। और बुद्धिजीवी एक पैदा हुआ, आज ही मैंने कहा था रैदास जो हैं वो बुद्धिजीवी थे इसलिए ब्राह्मणवाद को चोट दिया, और बाबा साहब बुद्धिजीवी थे जिनकी बुद्धि जिंदा होती है। तो हम फूले अम्बेडकर की विचारधारा के माध्यम से जिंदा लोग पैदा करने, बुद्धि जिनकी जिंदा है वो पैदा करने चाहते हैं। और अगर ऐसा होगा, हर हालत में होगा, तो मैं समझता हूँ अल्पसंख्यक का शासन जो है उसको अलविदा कह देंगे। आपने मैसे डीडी कल्याणी जी, उन्होंने बताया कि अपने बच्चों को बहुजन समाज का इतिहास पढ़ाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि उनके इतिहास के साथ, उनके महान पुरुषों के साथ कितना भेदभाव करा था इस मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने। आपने हमारे से बात करी, इसके लिए धन्यवाद सर। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।